नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज राज एंड यू आर वाचिंग टेक हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों, जैसे आपको थंबनेल में पता चल रहा होगा, शिबा इनू की अपडेट देने वाला हूं। काफी यूजर्स पूछ रहे थे ये कब 1 रुपये जाएगा या 10 पैसे जाएगा या 50 पैसे जाएगा, काफी सारी चीजें। बट आपको आज की इस वीडियो के अंदर आपको उसका पूरा टेक्निकल चार्ट एनालिसिस, फंडामेंटल और साथ में इसके साथ जो न्यूज आई हुई है उसके बारे में अपडेट देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फो मिल सके शिबा कॉइन के बारे में, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना ये प्राइस पंप हो सकता है और कितना आप प्रॉफिट, अगर आप नई एंट्री की सोच रहे हैं तो कहाँ पर आपके लिए नई एंट्री बन सकती है, और साथ में इसकी बर्निंग न्यूज़ है, कितनी बर्निंग की न्यूज़ इस पे, इसका प्राइस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी जरूर दबाइएगा। सीधा लेकर चलता हूं आपको अपने न्यूज़ पर, जो हमारी सबसे पहले न्यूज़ आई है, साथ में हम इसकी टेक्निकल चार्ट एनालिसिस भी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर। आप यहां पर देखिए शिबा इनू का चार्ट 1 डे टाइम फ्रेम के, इस वक्त हमने अपने इसको ओपन किया हुआ, थोड़ा छोटा करते हैं इसको, स्क्वीज करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर ये काफ़ी टाइम तक अच्छा साइडवेज में चला था, मतलब आप स्कैल्प ट्रेडिंग के लिए ये काफ़ी अच्छा टाइम था जो यहाँ पर चला है। उसके बाद जो इसने रैली ली है अप्रोक्स 17x के आसपास तक इसने, यहाँ से अगर इसके बॉटम से भी देखते हैं तो अप्रोक्स 17x के आसपास तक इसने प्रॉफिट भी दिया था। उसके बाद सिर्फ ये करेक्शन मोड में ही है। बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, आप देखोगे यहाँ पर ये जो जोन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर इसके पास सपोर्ट है, यहाँ पर भी काफ़ी बार इसने टेस्ट किया उसके बाद बाउंस बैक किया है। साथ में अगर हम यहाँ पर फिर देखेंगे, इसने यहाँ पर इसको इस, हमारे पास यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी बनकर निकल रही है, ठीक है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो बनकर निकल रही है, यहाँ से इसने फिर से बाउंस बैक किया। बट अब की बार क्या है, अब की बार इसने क्या किया है, ये देखिए डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में जो सिमेट्रिक ट्राइंगल था इसको इसने ब्रेक डाउन कर दिया है, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो अब क्या सिनेरियो रह सकता है, यहाँ पर हम इस चर्चा में बात करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से भी अगर हम बात करते हैं, ये देखिए हमारे पास एक तरह से ये डाउन ट्रेंड चलने के अंदर इस वक्त प्राइस मूव कर रहा है, यानी कि ऊपर टेस्ट कर चुका, अब चांसेस है इसके बॉटम को यहाँ पर करीब इस पर टेस्ट करने के। बट हमारे पास जो प्रीवियस सपोर्ट जो हमारे पास रहा है करीब, ये देखिए इस जोन से, ठीक है, यहाँ पर एक उम्मीद है, यहाँ पर एक बार ये पंप कर सकता है। साथ में इसके साथ जो न्यूज़ आई हुई है, ये क्या इसको प्राइस को पंप करने में मददगार हो सकते हैं, ये भी हम चर्चा करने वाले हैं। सेकंड थिंग, इसने जो काफ़ी पुराना अपना ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट था, जो करीब करीब 7 से 8 महीने पुराना, 7-6 महीने पुराना जो सपोर्ट था उसको ब्रेक डाउन कर दिया, ये नीचे की तरफ इसकी कैंडल क्लोज हो चुकी है। अगर हम बात करते हैं एज पर टेक्निकल एनालिसिस, फ्रेश कैंडल नीचे बन चुकी है, जो कि अच्छा साइन नहीं होता है, ठीक है। पर इसके साथ जो न्यूज़ है, कोई अगर इसके कोई एलोन मस्क की तरफ से कुछ न्यूज़ आ जाती है तो हम इसके अंदर पॉजिटिवनेस देख सकते हैं। अभी मुझे लग रहा है ये इसका प्राइस करीब करीब हमारे पास, अगर लास्ट के 4 डिजिट की बात करते हैं, शुरू के 4 डिजिट तो 0 है, लास्ट के 4 डिजिट की बात करते हैं, इस वक्त जो करंट प्राइस है लास्ट के 4 डिजिट के बेसिस पर 2164 का है, ठीक है। और मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो करीब कर 2050 के आसपास तक इसको आने की है। तो मैं अगर कोशिश करूंगा यहाँ पर एक एंट्री लेने की, उसके बाद फिर मेरी जो एंट्री रहेगी करीब करीब 1800 के आसपास रहेगी। देखिए वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें बताई जा रही है कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जो मेरी खुद की ट्रेड होती है, रिसर्च होती है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले अपने एंड पर पूरा इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, उसके बाद ही इसके अंदर पैसा लगाइए, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस इज योर्स। अब देखते, देखिए अगर मुझे लगता है कि यहाँ से और अगर ये देखिए डाउन ट्रेंड चैनल, जो ये चैनल है सिमेट्रिक ट्राइंगल, उसके बेसिस पर तो ये काफ़ी अच्छा नीचे हम जाता हुआ इसको देख सकते हैं। बट मेरी जो उम्मीद है यहाँ तक है इस रेंज में, यानी कि 2000 से लेके 1500 के आसपास तक मुझे लगता है मैक्सिमम ये ड्रॉप हो सकता है अभी। और हाँ, अब बात करते हैं क्या भाई इसके अंदर रैली कब देखने को मिलेगी, मैं थोड़ा सा न्यूज़ पे भी लेके चलूँगा और फिर उसको रैली के साथ या मतलब प्राइस मूवमेंट के साथ हम एक्सपेक्टेशन उसकी करके देखेंगे, प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे, देखिए दोस्तों 140.7 मिलियन शिब एडेड टू बर्न पोर्ट फॉर मार्च 15 इवेंट, यानी कि आज 15 मार्च है, यानी कि 140.7 मिलियन टोकन वो आज के दिन बर्न हो जाएंगे। मैं चलता हूँ एक बार कॉइन मार्केट कैप पर, ठीक है, आपको यहाँ पर शिब के कॉइन के बारे में मैं यहाँ पर एक तो पहले इसको तो मैं INR में कन्वर्ट कर लेता हूँ। काफ़ी लोग पूछ रहे 1 रुपया कब जाएगा, वो भी देख लेते हैं हम, ये 1 रुपया कब जाएगा, ठीक है, या जाएगा या नहीं भी जाएगा, ठीक है।
ये करीब करीब, ये मतलब मोटा मोटा समझ लीजिए, अगर मैं सही हूं तो 140 मिलियन था, कितना था, 140 मिलियन के आसपास की बात है, आप यहां पे देख सकते होगे। तो 140 मिलियन मोटा मोटा आपका 2 करोड़ के आसपास रुपए के हिसाब से बात कर रहा हूं, इतने रुपए के टोकन बर्न हो जाएंगे। अब चलता हूं बर्निंग न्यूज के ऊपर और साथ में इससे रिलेवेंट और भी न्यूज पे चलते हैं। तो देखिए 11.06 मिलियन सिप्स डिसअपीयर्ड इन 24+ आवर्स, इतने टोकन ऑलरेडी ये खत्म हो भी चुके हैं। पोर्ट कंटेंट 655 मिलियन टोकन, इतने टोकन इन्होंने इसके जहां पर जो बर्न होगा उसके अंदर, यानी कि समझ लीजिए जो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इतने टोकन है टोटल अभी जो रिसेंट में, और इसमें से इतने हो चुके हैं। और करंट नंबर ऑफ यूजर्स इसके पास कितने यूजर्स हैं, 1.2 मिलियन के आसपास समझ लीजिए, हाँ 1.2 मिलियन के आसपास समझ लेते हैं इसको, 12 लाख के आसपास, और ये बढ़ता ही जा रहा है। द सिग्निफिकेंट बर्नर अरेंज एन एक्स्ट्रा 140.7 मिलियन सिप इन मार्च फॉर कंज्यूमिंग वाइल्ड 11.06 मिलियन टोकन हैव बीन बर्न्ड इन लास्ट 24 आवर्स के अंदर, ये बर्न भी हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप सारी डिटेल देख सकते हैं, पर ऐसे कैसे पता चलेगा, हम चलते हैं shibaburn.com के ऊपर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये देखिए शिबा यानी कि टोटल सप्लाई, टोटल बर्न फ्रॉम इनिशियल सप्लाई, ये टोटल बर्न हो चुके हैं, ठीक है। और ये मैक्स टोटल सप्लाई कितनी है, और टोटल सप्लाई कितनी है, ठीक है, और ये सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, स्टेक्ड कितने टोकन है, और ये देखिए टोटल बर्न फ्रॉम इनिशियल सप्लाई, ये बर्न भी हो चुके हैं। ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है, थोड़ा सा और चाहें तो और भी से आप देख सकते हैं। ये वॉल्यूम 24 आवर के अंदर इसमें इतना वॉल्यूम है, ठीक है, यहाँ पर आपको सारे डाटा इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, ये देख सकते होंगे 23 घंटे में ये इतने इतने टोकन बर्न होते ही जा रहे हैं। अगर हम चलते हैं इसके ट्विटर पेज पर, आप इसकी कम्युनिटी को देखिए एक बार, ठीक है, आप देखिए 2,214,000 शिबा बर्न की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, बाकी तो शिबा की तो बात की नहीं मैंने। अगर आपको शिव देखिए शिव टोकन, हम शिव टोकन पे चलते हैं तो आप देखेंगे 29 लाख फॉलोअर्स है। अगर एक छोटी सी न्यूज़ कोई इसकी तरफ जल जाती तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना सॉलिड पंप आप इसके अंदर देखने को मिल सकता है, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ठीक है। shibtoken.com पे भी जाके आप इसकी पूरी वेबसाइट को भी रीड आउट कर सकते हैं। देखिए अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा नीचे, इसके प्रोजेक्ट एंड इकोसिस्टम इनके देखिए, इसके अलावा लीस और बोन टोकन भी है, ठीक है। लीस की अगर बात करते हैं, टोटल सप्लाई इसकी 1,07,000 टोकन्स की है। अगर बोन है 250 मिलियन टोकन है, ठीक है, तो ये आप बाय करना चाहते हो बाय कर सकते हो, इन तीनों को जहाँ से बाय करना चाहते, मतलब ये भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जा सकते, इसकी तो बहुत कम क्वांटिटी, तो इसमें ज़्यादा उम्मीद लग रही है कि ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट देकर जा सकता है, पर इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। ये बाकी कैसे कैसे सेटअप करना है, आपको अपना एड्रेस ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। कम्युनिटी देखना चाहे कम्युनिटी देख सकते हैं, टेलीग्राम देखना चाहे टेलीग्राम देख सकते हैं। तो ये है, बाकी अब थोड़े से न्यूज़ पे भी चलते हैं। एक न्यूज और है, वेनेजुएला फास्ट फूड बिजनेस नाउ एक्सेप्ट शिबा इनू एज पेमेंट मेथड, मतलब शिबा इनू भी आप दे सकते हो वेनेजुएला के अंदर, और उसके बदले आप फास्ट फूड मतलब फास्ट फूड खाकर अपना पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ शिबा इनू कॉइन दे सकते हो। जैसे हम यहाँ पर अपना फोन पे पेटीएम करते हैं, वैसे ही आप वहाँ पर शिबा इनू की भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है एक, देखिए कोई छोटे मोटे दुकान नहीं ले रही है, बड़ी बड़ी फर्म होगी, बड़ी कंपनी होगी जो इसको एक्सेप्ट करे, तभी ये न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिली है। और बात यह है कि ये एक्सेप्ट तो कर रही है। चलिए अब एम्बुलेंस सर्विस इन तुर्की है सेट टू एक्सेप्ट शिव एज पेमेंट, तो ये एम्बुलेंस सर्विस है तुर्की कंट्री के अंदर, वहाँ पर ही ये शिव कोइन को पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट करने वाले, यानी कि आप कोई बीमार है तो अगर कुछ को पैसे देने हो उसकी जगह वो शिव कोइन को भी दे सकता है, वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। यानी कि देखिए इसका इसकी यूटिलिटी यूज केस कितना बढ़ता जा रहा है शिबा कोइन का, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा, ये देखिए ये रहा वीटा करके शायद कोई देख लेते हैं, ये देखिए वीटा एम्बुलेंस सर्विस है कोई, ठीक है। ये एम्बुलेंस की फी के फॉर्म में आप चाहे तो शिबा कोइन को भी दे सकते हैं, एम्बुलेंस की फी की जगह आप शिबा कोइन को भी दे सकते हैं, ठीक है। आपके पास अगर INR या जो भी करेंसी वहाँ पे हो वो ना हो, तो ये इनकी तरफ से एक ये न्यूज़ भी निकल कर आ रही है। आगे चलते हैं शिबा इनू ऑफिशियल ग्रोथ रिपोर्ट, देखिए 46 मिलियन परसेंट इन 2021 के अंदर बढ़ चुके हैं। एक्सचेंज लिस्टिंग अबव 100, 100 से ज़्यादा एक्सचेंजेस पर लिस्ट है, और 30 मिलियन मंथली ट्विटर विजिट्स एंड मोर, 30
मिलियन मंथली ट्विटर विजिट्स हैं, आप ये सोच के देखिए 3 करोड़ इसके ऊपर ट्विटर पर विजिट करते हैं और उससे भी ज़्यादा करते हैं शिवा के ऊपर, तो बहुत बड़ी समझ लीजिए, छोटा मोटा कॉइन नहीं है ये, अपने आप में एक बहुत बड़ी इसका एक तरह से यूनिवर्स टाइप से समझ लीजिए, अपना ही खुद का ही एक यूनिवर्स है, खुद की कम्युनिटी है सब कुछ। आप किसी कॉइन को और किसी को उठा के देख लीजिए, उस पर आप इतना नहीं देख पाओगे, चाहे इससे बेशक पुराने भी बेशक क्यों ना रहे हों, पर इसके अंदर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा, इसके अंदर आप फर्क देख पाओगे। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। आपको मैंने बर्न वन का सारा कुछ डिटेल दे दिया, ट्विटर पे देख चुके हैं आप, इसकी वेबसाइट को भी चेक कर चुके हैं। अब चलते हैं चार्ट पर, अगर बर्न होता तो क्या, देखिए मेरी जो एक्सपेक्टेशन मैंने आपको बता दी, मैं यहाँ पर एक एंट्री यहाँ पर लेने की कोशिश करूँगा। ठीक है, एक एंट्री मैं यहाँ पर लेने की कोशिश करूँगा, बाकी नहीं तो मैं स्टॉप लॉस यूज़ करूँगी यहाँ पर। अगर ये यहाँ तक गया, मुझे लगता नहीं कि यहाँ से नीचे जाना चाहिए इसके, बट जो यहाँ से आ सकता है 8879 से जो यहाँ पर आ सकता है 20 तक, तो कुछ भी हो सकता है, 4 से 5x नीचे आ चुका ऑलरेडी अपनी पीक से। तो उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर ही एंट्री देखने को मिलेगी, जो हमारे पास ये जोन है। ठीक है, और हाँ अगर हम इस पैनल की बात करते हैं, ठीक है, अगर ये आपको इस ट्रेंड लाइन चैनल को जो अगर ब्रेक कर देता है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा फिर टारगेट होगा आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन चैनल, तो हमारा टारगेट यहाँ तक रहेगा जो कि है अप्रोक्स 3200 तक, लास्ट के 4 डिजिट की बात कर रहा हूँ। बट मैं इसके अंदर जो पॉजिटिवनेस देख रहा हूँ, जब तक ये इस ट्रेंड लाइन जो है जो करीब 3600 के आसपास है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तो मुझे नहीं लगता, उसके बाद हम एक अच्छी खासी रैली देख सकते हैं। यानी कि अगर हम करंट प्राइस से भी बात करते हैं, यानी कि यहाँ से अगर हमारी एंट्री हो जाती है, तो हम अगर पीक से ही बात करते हैं, तो 300 से लेके 350% तक का प्रॉफिट हम देख सकते हैं शिबा इनू कॉइन में। बस एक न्यूज़ और इसके अंदर रैली है, तो पता नहीं कहाँ तक भी लेके जा सकते हैं, क्या तो और भी ऊपर आपको ये जाता हुआ दिखाई दे जाए, कोई भी कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। ठीक है, तो कितनी रैली कहाँ तक मार्केट को ले जाए कोई बता नहीं पाएगा इसको। तो ये वीडियो थी दोस्तों शिबा इनू के बारे में, और काफ़ी लोग कह रहे थे शिबा इनू इतना जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं 0.0016, यानी कि मोटा मोटा हम सिर्फ ये 3 डिजिट की बात करते हैं, इसे 1 रुपये जाने के लिए समझ लीजिए इसे कम से कम 1000 गुना बढ़ना पड़ेगा, 1000 गुना समझिए। ठीक है, उससे पहले नहीं काम चलेगा, 1000 गुना जब बढ़ेगा तब जाके आप इसको देख पाओगे। मार्केट कैप देख रहे हो, अगर इसके आगे पीछे 3 जीरो लगा दीजिए, ये BTC के मार्केट कैप को भी शायद पीछे ना कर दे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 1 रुपया भी जा सकता है आगे इन द फ्यूचर, कुछ कह नहीं सकते। यहाँ तक मैं कह रहा हूँ अगर ये 1 सेंट का भी चला जाए तो करीब करीब लोगों को 5 से 6 गुना का प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ तक की तो फिर भी उम्मीद मान सकते हैं। यहाँ तक जाने के लिए इसे भी कम से कम 50 से लेके 80x तक जाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है क्रिप्टो कैंसर। तो ये थी दोस्तों वीडियो, आई होप आपको सारी जानकारी मिल गई होगी शिबा इनू के उनके बारे में। आप अगर NFT बना के, फ्री में NFT बना के, उस बिना पैसे लगाए, गैस फीस लगाए सेल करना चाहते हैं, लिस्ट करना चाहते हैं, तो ये दोनों मैंने वीडियो बना दी, यहाँ से भी आप चाहें तो कमा सकते हैं। अगर आपके एक भी NFT बिक जाती है तो कम से कम ये समझ लीजिए 1000 से लेकर कि आप तो मंथली 50,000 भी कमा सकते हैं। बाइनेंस की ग्रिड बोर्ड ट्रेडिंग अपने आप सेट कर दीजिए, खुद खरीद बेच करता रहेगा। ठीक है, आपको किसी कॉर्निक्स को या किसी और 3Coma को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पर हमारे पास कुछ और भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ऑनलाइन जॉब कर सकते हैं, उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लीजिएगा। आप घर बैठे ऑनलाइन जॉब मोबाइल से ही कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार।